क्या हो रहा है भाई, इतने टाइम के बाद ही देख सकते हो इतने बड़े ग्राउंड में हम लोग आज क्रिकेट खेलने आए हैं। और जब कपड़े क्यों डाल दिए पैसेज में यार, हमारे को एक ही जगह तो है जहाँ पे ढंग से वन टू वन दिल से दिल तक की बातें कर सकते हैं आपसे हम, और यहाँ पे ये कर दिया यार, ये देख सकते हो इतने सारे कपड़े डाल दिए बारिश के मौसम की वजह से। और मैं नींद से उठा, नहा के आया, तो उसके बाद मेरे को अभी ये ट्रिम करना था यार। ये ट्रिम करने के लिए हमको यार क्लीन शेव करनी थी इतने टाइम के बाद, और एक्चुअली मैंने आज तक क्लीन शेव किया नहीं है, मैंने ब्लेड नहीं चलवाया अपने फेस पे आज तक, तो मैं हमेशा ट्रिमर ही यूज़ किया हूँ। तो अभी मेरे को ट्रिमर यूज़ करना था, तो देखा भाई साहब उसके अंदर तो बैटरी ही नहीं है, मतलब थोड़ी सी है, मतलब फिर मैं रिस्क नहीं ले सकता ना कि मैं यहाँ तक ट्रिम कर लूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे बियर्ड है, फिर उसके बाद बैटरी ख़त्म हो गई, बिकॉज वो ट्रिमर ने मुझे दो बार धोखा दे चुका है, लिटरली दो बार धोखा दे चुका है। और वो ट्रिमर ऐसा है ना भाई साहब कि आप वो चार्जिंग पे यूज़ भी नहीं कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देख सकते हो इसने हमारा दो बार साथ छोड़ दिया है, तो ये चार्जिंग हो रही है, ये चार्जिंग के लिए इसको 3-4 घंटे मिनिमम लगते हैं ताकि ये ढंग से चल सके। अब इसमें थोड़ी सी चार्जिंग है, बट रिस्क नहीं ले सकते हैं ना कि यार बीच में बंद हो गया तो फिर कैसे चलेगा। यहाँ पे क्लीन शेव एक बार यहाँ तक पहुँचा था ट्रिमर, यहाँ से पूरा पोर्शन ट्रिम हो चुका था, यहाँ पे दाढ़ी रह गई थी, लो कर लो बात। पता है ऐसे दो बार हो चुका है, एक बार ये वाला पोर्शन पूरा हो गया था, ये वाला पोर्शन बियर्ड का बचा हुआ था और उसमें भी ट्रिमर बंद हो गया था। तो बताओ कैसे घूमेगा इंसान, आधी शेव आधी क्लीन शेव, ऐसे कैसे चलेगा यार। तो इस वजह से अभी रिस्क नहीं लेंगे, तो अभी इसे चार्जिंग पे रखा हुआ है यार, ऐसे थोड़ी यार अभी 3 घंटे बाद होगा। गुड मॉर्निंग, ओ वाओ, गुड मॉर्निंग रेंशो, गुड मॉर्निंग, कैसा है, गुड मॉर्निंग। मैं तो एकदम ठीक हूँ। अरे यार मैं भी एकदम ठीक हूँ, मैंने तो पूछा ही नहीं। अरे यार तूने पूछा नहीं, बट मेरे को अच्छा लगता है तेरे को बताना, मैंने बता दिया कि मैं भी ठीक हूँ। हाँ तो ठीक है निकल। अरे यार इतना रूड यार, एक तो पहली बात तो तूने ये पानी फिर से खराब कर दिया, ठीक है ना। अरे मेरा घर है मैं करूंगा, तू इतना रूड क्यों है, तेरा घर है मैं करूंगा, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर रेंचो, इज दिस द थिंग दैट यू टॉक लाइक दिस टू मी, ऐसे बात करेगा तू मेरे से अभी है। ए यार जा, तू मेरे से कभी बात ही नहीं करता। अरे यार तेरे से बात नहीं करता हूँ, अभी तो आया हूँ बात करने के लिए। हाँ बस दिखता है, तू तो बाहर भी नहीं निकलते मुझे। हाँ ये बात है, तो तुझे बाहर निकलना है, तो ऐसे बोलना, तो इतना रूड क्यों बात करता है यार। देख यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तू अपना काम कर। अरे यार तू फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अपना काम करूँ, व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग रेंशो। ठीक है बाहर निकल अभी। अरे यार निकाल रहा हूँ, तूने ब्रेकफास्ट किया है? नहीं। देख मैं तेरे लिए कितना सोच रहा हूँ, तूने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पहले ब्रेकफास्ट करेगा उसके बाद बाहर निकलूंगा। ओके ठीक है, थोड़ा चिल मार, ऐसे रिलैक्स कर, निकाल रहा हूँ बाहर तेरे को मैं, ठीक है। तो तू अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर और अभी मैं ब्रो से मिल के आता हूँ, ठीक है। ओ ब्रो 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 वेयर आर यू ब्रो, दूसरा कोपचा भी खाली ब्रो, तीसरा कोपचा भी खाली ब्रो, चौथा कोपचा भी खाली ब्रो, घर पे नहीं है क्या, हैं कहाँ गया मम्मी ब्रो, घर पे नहीं है, आया था चला गया, कहाँ चला गया, सुबह सुबह को कहाँ चला गया, ओ वेयर आर यू ब्रो, ब्रो ब्रो भी आ गया, रेंशो भी है। तो गाइस मम्मी कह रही थी कि बस कुत्ते और बिल्ली घर पे पालते रहे हम लोग, बिकॉज आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रो मेरे को आज सुबह में नहीं दिखा है, भाई साहब ब्रो नहीं दिखा है, पता नहीं कहाँ चला गया, बिकॉज वो हमारा यार पालतू डॉग नहीं है और वो ना ही अडॉप्टेड है, वो स्ट्रीट डॉग है, उसको हमारे घर का एड्रेस पता है, वो खुद ही आता है, खुद ही बैठा रहता है, खाता है, सोता है, आता है घर पर तो हम खाने के लिए दे देते हैं और सो जाते हैं और फिर खुद ही चला जाता है। तो आज मम्मी कह रही थी कि सुबह में वो आया था ना, वो नाश्ता अपना करके चला गया, अब पता नहीं कहाँ गया है, पता नहीं कौन सी उसको गर्लफ्रेंड मिल गई है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया ब्रो छोड़ के। दो भाई हैं हम लोग, वो और मैं, एक भाई को छोड़ के चला गया, वो गलत किया उसने, बहुत ज़्यादा गलत किया ब्रो। अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है ना, सब समझता हूँ मैं, किससे मिलने गया रहेगा तू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक तो हिंदी में चिल्लाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंधी नहीं है तो उनको सिंधी समझ नहीं है। सुबह को काम करने में दूर है, लॉगिंग तो करेगा। व्लॉग लाइफ गाइस, दिस इज व्लॉग लाइफ, ठीक है ना, व्लॉग करें कि घर मतलब छोटा बच्चा घर का भी काम करे, व्लॉग भी करे, रात को बैठ के एडिट भी करे, क्या क्या करेगा, और ऊपर से घर की मजदूरी भी करे, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो गाइस इसी बात पे आप मेरे साइड हो ना, आप कमेंट करके बताना मैं सही हूँ कि मम्मी सही है, ठीक है।
तो गाइज आज के नाश्ते में हमारे पास है मूंग का पराठा और चाय, तो जल्दी से खा के करते हैं आपसे बात। और रैंशो हो गया तेरा ब्रेकफास्ट, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया, तो इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू कम आउट। चलो आ जाओ 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 आ जाओ, यो एंजॉय लाइफ गो। तो गाइज आ जाओ, देखें ये चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ, चलो ये चेक करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हो तो गया रहेगा, बिकॉज अभी हो रहे हैं दोपहर के, नहीं शाम के 6 बज रहे हैं, और इसे हमने सुबह से चार्जिंग पे लगाया था। तो आ जाओ देखें यार, ट्रिम करते हैं, हो तो गया रहेगा चार्ज यार, बट फिर भी। गाइज ऐसा कुछ लुक रख दूं, कमेंट करके बताना। लुक टू, तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा वाला बेटर है। लुक थ्री, ये वाला बेटर है। यस यार, फाइनली अच्छा हुआ ट्रिमर ने साथ दे दिया यार, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ चार्ज पे रख दिया था, पता नहीं और कितनी देरी चलेगा, फिर से इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा लुक ज़्यादा बेटर लगा, लुक वन, लुक टू, लुक थ्री है ये वाला, लुक फोर एकदम क्लीन शेव, तो आप लोग जरूर कमेंट कर। लुक फाइव भी था जो मेरा बियर्ड में था, तो आप वो वाला कमेंट करके बताओ कि कौन सा लुक ज़्यादा सूट करता है मेरे ऊपर, ठीक है, कमेंट जरूर करना। तो गाइज आज के दोपहर के खाने में हमारे पास है आलू की दाग में सब्जी और चपाती और पापड़, तो जल्दी से खा के करते हैं आपसे बात। ये देखो दरवाजे के बाहर बैठा है, आजा नीचे चल, आजा। अरे यार पहले लोग डरते हैं इससे, ये ऐसे, अरे अंदर नहीं जा, नीचिया इधर आ, नीचिया नीचिया आजा ब्रो। ओ भाई इसका लुक तो देखो, तिरछी आंखों से, इधर आ नीचे आ, चल जल्दी कर, लेट हो रही है, मेरे को भी जाना है, जल्दी करना यार प्लीज। दरवाजा नहीं खुलेगा अभी मेरे भाई, नहीं खुले, मैं कह रहा हूँ नहीं खुलेगा दरवाजा ब्रो, प्लीज चल नीचे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइज मैं अभी ब्रो को छोड़ के आ गया हूँ, भाई साहब वो तो सुन ही नहीं रहा था, वो नीचे ही नहीं आ रहा था। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं टर्फ पे, इतने टाइम के बाद खेलने के लिए मेरे दूसरे फ्रेंड्स के साथ, आज हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, जो कि मैंने जमानों से नहीं खेली है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा है वहाँ पे यार माहौल, इतने टाइम के बाद क्रिकेट खेलेंगे। लेटर दैट सेम इवनिंग, भाई बैट नीचे रखनी नहीं है, बॉल की पन्नी उतारनी नहीं है, टर्फ की लाइट चालू करनी नहीं है, मैं टर्फ पे खेलने आया हूँ पार्क से। क्या हो रहा है भाई, इतने टाइम के बाद ही देख सकते हो, इतने बड़े ग्राउंड में हम लोग आज क्रिकेट खेलने आए हैं, और जबकि लोग आए हुए नहीं है भाई साहब, लोग आए हुए नहीं है, कहाँ पे तुम्हारे आदमी, तुम्हारे आदमी कहाँ पे भाई, तुमने तो मंगाया हुआ था, टाइमिंग चालू हो गई अभी, टाइमिंग चालू हो गई है। ये देखो ये खेलेगा क्रिकेट, ये वाला पार्ट काट दूंगा, ये वाले बॉल पे एडिटिंग कर दूंगा सीधा, सिक्स वहां पे गया, ये मैन ऑफ द मैच, ये चड्डे वड्डे में आए थे। और भाई कैसे हो, मस्त है एक 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 बस, कौन कर रहा है बैटिंग, जल्दी आउट कौन होएगा अभी, जल्दी, क्या बात है क्या बात है, ये तो मैंने जानबूझ के सिंपल चलाया ताकि तू मार सके, नहीं तो अभी तक तूने मेरी स्किल्स देखी गए। ये देख सीधा चैंपियन उखड़ गया सीधा भाई। तो गाइस अभी जितने भी लोग आए हुए हैं टीम बन गई है, और अभी हमारी टीम की पहली बात तो बॉलिंग है, तो चलो देखते हैं, मैं बैटिंग में हूँ, अरे वाह क्या बात है। अभी हमारी एकदम सीरियस वाली मैच चल रही है, और मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि भाई साहब यहाँ पर तारीफ ही तारीफ, झूठ नहीं बोल, बॉलिंग और बैटिंग करता हूँ मैं, कुछ नहीं किया है, इतनी सीरियस गालियां खाई है भाई इसने, गालियां कुछ भी नहीं, इतनी इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है ना मैंने भाई साहब, इतनी तारीफ कर रहे थे, कितना अच्छा झूठ बोल रहे थे, और मैं बैटिंग तो ऐसी करता हूँ भाई साहब की, मतलब लास्ट ईयर उतारते मेरे को, बहुत ज्यादा सीरियस मैच है गाइस, और मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ आजकल की, सनी भाई साहब, सनी तू तारीफ में कुछ बोलना चाहेगा, मेरे इतना अच्छा खेल रहा हूँ मैं, आई लव यू
आई लव यू। जिस टीम में मैं हूँ ना उस टीम में एक बार भी हम लोग नहीं जीते, एक बार भी नहीं जीते। चार ओवर में 48 चाहिए, 38 चाहिए। जिस तरह हमारी टीम है और जिस तरह खेल रहे हैं, उम्मीद तो नहीं है बट उम्मीद रखनी चाहिए। अभी थोड़ा सीरियस माहौल है, बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो गया। थोड़ा उधर जाके बैठ, सीरियस माहौल हो गया यहाँ पे। आउट हो रहे हैं भाई, झगड़े हो रहे हैं, झगड़े थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा है ये वाला, कौन आउट है कौन नॉट आउट है। गाइस मैं कल रात को टर्फ से खेल के आ गया था तो मुझे याद ही नहीं था भाई साहब हमने आपको पीस विद पप्पी तो की नहीं है खेलने खेलने में। तो गाइस अगर बिना पीस विद पप्पी के तो कभी व्लॉग खत्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये वाली बात तो एकदम वो है, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को शब्द नहीं आता रहे। लाजमी लाजमी मतलब ज़रूरत ज़रूरत और क्या कह सकते हैं उससे, कंपलसरी, यस कंपलसरी पीस विद पप्पी के साथ ही हमारा गुड बाय होता है। तो इसी व्लॉगो करेंगे व्लॉगो वो यार मेरा इतनी जबाल फिसल क्यों रही है, तो इसी व्लॉगो करेंगे खत्म यार। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करने से और लोगों तक रिकमेंडेशन मिल जाती है, सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, दोनों फ्री का है, कर दो यार दिल खोल के कर दो दिल खोल कर। बिकॉज यार जितने भी लोग हमारे को अननोन लोग ज़्यादा देख रहे हो और जितने भी ज़्यादा लोग मेरे को स्टैटिस्टिक्स में दिखा रहे हैं कि यार आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग वीडियो को देख रहे हो, ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल पर न्यू हो तो। मेरा नाम है आदित्य सीरिया, आप देख रहे हो द मस्ती मजा क्लब, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, पीस विद पप्पी।